निशा, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो अभी पता है मैं रास्ते में चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना घर पे ब्लॉगिंग करने का भी वो टाइम नहीं मिलता। तो दुर्गा को इतना मुश्किल से छोड़ के, उसको रोते हुए छोड़ के मैं निकली हूँ बाहर। एंड आज मैं आपको, वैसे मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग में अपना जो रसीदपुरा का जो पार्लर है वो दिखाया है, बट इतना वो डिटेल में नहीं दिखाया। बट आज मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी पार्लर कहाँ पे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, विद प्राइस, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। एंड पूरा ब्लॉग देखना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, स्पेशली जो रसीदपुरा की लेडीज़ है उनको। एंड ऐसा नहीं है कि रसीदपुरा की लेडीज़ को, यहाँ आसपास की लेडीज़ भी यहाँ पे आ सकती है अगर वो आना चाहे तो। सो ये है हमारा पार्लर, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड वो जो बस स्टैंड है उस भी यहाँ पे पड़ता है, मेरा घर बहुत दूर पड़ता है। तो अभी वापिस आए नहीं, इनका अंदर का गेट है। एंड अगर वो वाला आपको बंद मिले तो आप इधर से भी आ सकते हो। अभी वो आ जाए, इसके बाद में ओपन करेंगे फिर। तो भाभी जी आ जाएंगे, अपन कर लेते हैं। मम्मी आज खोले और घूम के आ गए, आप ही गए थे ना, छुट्टियाँ हो गई पूरी। अच्छा अच्छा, मम्मी सामान जचा लिए, देखे ले रहे जी को। तो हम लोग आ गए हैं पार्लर, अपना ही पार्लर है, कोई डरने की बात नहीं है, खुद ही खोल के आ जाओ अंदर। और ये देखो, ये है भाभी सर की लड़की, हाय कर दो। तो अभी आएंगे वो, फाइनली वेट करने के बाद में आ गए हमारे जो रियल पार्लर के ओनर है ना, वो हम तो बस ऐसे ही ओपन कर लिया आगे। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी अच्छे से, आपको जो भी जानना है पार्लर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या, मतलब भाभी सा मुझे बताएंगी और मैं आप सबको बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा लिपस्टिक का कलेक्शन। तो ये है इनके पास कलेक्शन, बहुत सारा कलेक्शन है। सिंदूर कलर आपको मिल जाएंगे, न्यूड कलर भी मिल जाएंगे, ये देखो आप देख सकते हो। आप लोगों को जो मेरा ब्राउन कलर है ना वो बहुत पसंद आता है, तो वो भी है इनके पास, आप अगर आके लेना चाहो तो ले सकते हो। ये वाला है ना, ये रहा, ये मैट में है। ये लिपस्टिक है? हाँ, ये भी लिपस्टिक है। अच्छा, ये कैसे लगाते हैं? हाँ, ये वाला कहीं है, लिप लाइनर। और देखो पायल भी है इनके पास में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पार्लर का जो जूड़ों का कलेक्शन है वो, ये देखो ये पूरा सेट है। और ये है बीच में बंगड़िया जैसा है, और रेड कलर में की चूड़ियाँ आती ना वो वाली भी इनके पास में। अगर आपको किसी मैच, किसी सूट के साथ मैचिंग करनी है तो आप ले सकते हैं। कड़े हैं, इनका पेंटिंग बनी हुई है, लाख को ये लाख का है, ये भी लाख का है। अच्छा हाँ, वाटर प्रूफ। और ये इनके पास में नथ है, और ये सेट है, ये इनके पास में हैंड पर्स है। वो मैं ले गई ना, वो तो मन बहुत अच्छा लगा आजकल, ब्राउन दिखाना। ये देखो ब्लैक कलर में है, हाँ ये भी बहुत अच्छा साइन, ये ना साइन भी कर रहा है, दिख रहा है कैमरे में, हाँ अच्छा लग रहा है। इसकी क्या प्राइस है? अच्छा तो ये 400 का है, ये मतलब एक ही, अच्छा एक पीस ही बचा इनके पास में, बाकी सारे सेल हो गए। अगर आपको चाहिए ना ये वाला तो जल्दी से आ जाना पार्लर, नहीं तो ये भी सेल हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा केयर पैड भी इनके पास में, मतलब पहले ना बहुत दिक्कत होती है हमारे गाँव में लेने के लिए, हम सोचते थे कि ये ना मतलब ऐसे हो जाता था, इमरजेंसी में होता नहीं था, तो कहाँ जाए कहाँ से ले जाए। तो आप लोग आ सकते हो पार्लर में और ले सकते हो। ये पूरा पैकेट है जिसमें आपको 40 पीस मिलेंगे, और ये कॉटन में होता है। वैसे मैंने ये यूज भी किए हैं पर्सनली, तो मुझे पता है बहुत अच्छे हैं, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस पूरे पैकेट की जो प्राइस है ना वो है कितनी है, 250 का है, वैसे लिखा हुआ 399, लेकिन हम लोग आपको 250 में देंगे, हम लोग मतलब भाभी सा देंगे तो आप ले सकते हो। और बहुत सारे हैंड पर्स वगैरह भी है, अगर आपको ना जो भी पसंद आए आप देख लो अभी और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आप आके ले लेना भाभी से। देखो ये लाइट ग्रीन में है, और
ये देखो इसकी क्या प्राइस है? ये है 350 का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नेल पेंट कलेक्शन। तो जो भी कलर आपको चाहिए ना वो आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, जैसा भी कलर चाहिए और जो भी चाहिए आपको आसानी से मिल जाएगी। वगैरह भी लगाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ना यहाँ पे पेटीकोट कपड़े भी मिल जाएगा, पेटीकोट का कपड़ा है, और साड़ियाँ भी हैं इनके पास में, आप लोग आके देख सकते हो। और उसके अलावा देखो ये वाली चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही है, देखो। और ये इयररिंग्स है छोटे छोटे, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर किसी को भी पसंद आए लेना हो तो ले सकते हैं, ये देखो। और ये अगर आपके बेबीज है उनके लिए भी है, तो आप उनके लिए भी आ सकते हो, ले सकते हो। नहीं। उसके अलावा ये वाले पैड्स भी, अगर किसी को वो वाले कॉटन वाले नहीं चाहिए तो ये वाले भी ले सकते हैं। बाकी क्लचर वगैरह जो भी आपको चाहिए, हेयर केयर, फेस केयर, सारा सब कुछ यहाँ पे है। अच्छा हाँ, अंडर गारमेंट्स भी है, लेडीज अंडर गारमेंट्स, इम्स वगैरह जो भी आपको चाहिए हो वो भी आप ले सकते हो, यहाँ पर है। और देखो वैसे ना ये सारा सामान आपको बहुत सारे शॉप पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है आजकल आप लोग मार्केट जाते हो तो, बट यहाँ पर आप आओगे तो आपको मतलब जो रियल रेट है ना उसी में मिलेगा, आपको अलग से एक्स्ट्रा भाभी कभी जोड़ के नहीं देंगे। और ऐसा मान के चलना कि हम लोग है ना, मतलब देखो ये होता है कि आप बाहर जाके लो, उससे अच्छा ना कि आप अपने गाँव का जो है उसको आगे बढ़ाओ, उससे खरीदो। क्योंकि मैंने जब से इस पार्लर का मेरे को पता चला, मैं यहीं आती हूँ, मेरे को जो चाहिए होता है वो मैं यहीं से लेती हूँ। तो आप लोग भी एक बार जरूर आना, फेस वॉश वगैरह, फेस क्रीम, जो भी शैम्पू वगैरह चाहिए। इसके बारे में मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपने कहाँ से लिए, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने यहीं इसी पार्लर से लिए थे, ये बात भाभी जी खुद भूल गए थे, इनको लगा पता नहीं कहाँ से लाए, तो मेरे को बोल रहे हैं आप कहाँ से लेके आए, मैंने कहा कहीं से नहीं यहीं से लिए हुए हैं। तो इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन, आप देख सकते हो, जैसे कि ये मैंने पहन रखे हैं, हालांकि ये वाले अभी इनके पास में नहीं है, बट इसके अलावा और भी बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। और इसके अलावा पार्लर का तो है ही है, साथ में पार्लर का भी सब कुछ है, आपको क्लीन अप करवाना है या फिर फेशियल करवाना है, हेयर स्ट्रेट करवाने हैं, या हेयर, आके एक बार जरूर हमारा जो पार्लर है ये विजिट करें और भाभी जी से आके कांटेक्ट करें। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ करवाना है तो ही आप आए, एक बार आप आइए तो सही, देखिए तो सही कि आपको बाहर के पार्लर में और यहाँ के पार्लर में कुछ तो डिफरेंस जरूर मिलेगा। अगर आपको यहाँ का अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे जरूर आइए। सो ये देखो इसका मेन गेट है, और मेरे घर से ये थोड़ा दूर पड़ता है, वैसे लोग है क्या बोलो, तो आपको दिखा देती हूँ कि आप अगर बस स्टैंड की साइड से आते हो ना तो वो इधर बस स्टैंड है, आपको बहुत ही यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। और फिर आप यहाँ पे सीधा अंदर जा सकते हो, अगर आपको यहाँ से लॉक मिले ना तो बिल्कुल पास में जो ब्लैक कलर का गेट है ना वहाँ से आप आ सकते हो, ठीक है। गांव में बहुत सारे लोगों को पता है बट कुछ लोगों को नहीं भी पता, ये चीज़ें उनके लिए हैं। तो अब चलो मैं आपको हमारे छोटे छोटे बच्चों से भी मिला देती हूँ, ये देखो हाय, ये है ना चुलबुली, इसका बहुत शौक है ना पार्लर का करने का, आपको नहीं? अच्छा छोटी वाली वो रही, वो रही। अच्छा इसको है भाई, ये थोड़े दिनों में सीख जाएगी ना तो आप लोग इससे भी ले सकते हो बाद में ये बहुत अच्छा मेकअप कर देगी, कर दोगे मेकअप है ना? तो टीचर बनना है। अच्छा टीचर बनना है, अच्छा भाई मैं से गलती हो गई, इसको पार्लर आर्टिस्ट नहीं बनना है, इसको ना मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, टीचर बनना है। बनना है क्या टीचर? टीचर बनना है अभी तो, चलो अच्छा है टीचर बन और ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा प्राइस में मिलेगा, मैं आपको भाभी को पर्सनली बोल दूंगी कि भाई जो भी मेरे थ्रू आए ना उसको आप सही रेट में देना, तो ये ना इतना कर सकते हैं। और इसके अलावा ना मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि मेरे फेस पे छाया नहीं पड़ी क्योंकि मुझे बेबी गर्ल हुई थी, ऐसा मानते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तब छाया वगैरह होती है, तो मुझे नहीं हुई थी क्योंकि मुझे लड़की हुई है ऑब्वियसली उस वजह से, बट बहुत सारी लड़कियों की, लेडीज की ये प्रॉब्लम होती है कि छाया पड़ जाती है चेहरे पर प्रेगनेंसी टाइम में, तो वो निकलती नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करते हैं बट फिर भी नहीं निकलती। तो ना यहाँ पे हमारे पार्लर में ना बहुत अच्छी क्रीम आई हुई है, तो ये भाभी बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं मतलब होगा तभी बोल रहे हैं, तो ये यूज करने से गारंटी ले रहे हैं ये कि ना इससे छाया निकल जाती है और पूरा फेस जैसा पहले था वैसे का वैसा निखर जाता है। तो आपकी अगर छाया की प्रॉब्लम है तो आप एक बार जरूर ये वाली यूज करना, यहाँ पर आके पार्लर में लेना भाभी जी से, सच में इनसे छाया निकल जाती है, एकदम बढ़िया निकलती है, बहुत मेरे बहुत सेल होती है पार्लर से, काफी लोग लेके जाते हैं तभी बहुत अच्छी है। हाँ जो भी लेके गए हैं बोलते हैं बहुत अच्छी है।
अच्छे से काम करती है। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है ना तो आप एक बार जरूर यहाँ से लेना। नाम आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ना, क्या नाम है देखो, रॉयल स्टार करके कुछ है, रॉयल स्टार डर्मा 15, ये वाली क्रीम है जो आपकी छाइयों को हमेशा के लिए दूर कर देगी। ये पार्लर का जो सामान था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगी ब्लीच वगैरह एंड फेशियल वगैरह कि हमारे इस पार्लर में फेशियल कितनी प्राइस से स्टार्ट होता है और कौन कौन सा है। तो अभी ये सारे फेशियल वगैरह के सामान है जो आपको भाभी बताएंगे डिटेल में, जितना हो सकेगा हम लोगों से, मतलब जितना हो सकेगा हम लोगों से उतना। तो चलो भाभी बता दो, पहले तो आप ये बता दो कि ना पार्लर में कितनी रेट से लेकर कितनी रेट तक का फेशियल होता है। देखो हमारे पार्लर में 300 से लेके 3000 तक का फेशियल होता है। अच्छा, उसमें फिर भी अगर कोई कहता है तो हम उसमें कम ज्यादा 19-20 कर देते हैं। हाँ, गारंटी वाली फेशियल देते हैं, नो स्किन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है, साइड कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पिंपल्स या झाइयों की तकलीफ है, दिक्कत है, तो उसके लिए एक्ने पिंपल्स का करते हैं। अच्छा वाला, अच्छा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर जैसे लोटस के हैं, लुक्स के हैं, वीएलसीसी के हैं और फ्रूट के हैं, बायो के हैं, ये भी लुक्स का वर्ल्ड का, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सब की प्राइस मतलब उस हिसाब से अलग अलग। अच्छा, वैक्स में सबसे कॉस्टली तो रिक्का होता है। अच्छा, तो ये इतना कॉस्टली क्यों होता है, मतलब मैंने सुना है। अच्छा, अच्छा, और लंबे टाइम तक काम करता है। अच्छा, स्किन के अंदर से आते हैं। अच्छा, काफी दिनों तक बाल। अच्छा, मतलब जैसे बाकी से करते तो वो टूट जाते हैं। हाँ, इससे पूरा अंदर से निकल के आता। मैंने भी सोचा इस बार मैं भी यही करवाऊंगी। ग्लो भी अच्छा आता है। अच्छा, उससे फिर उससे थोड़ा लो ग्लो में है जो मिल्क वाला है। अच्छा, मिल्क वाला भी वैसे अच्छा होता है, फेयरनेस का है, फिर एलोवेरा। अच्छा, एलोवेरा की 150 है और मिल्क वाले की 200 है और रिक्वायर वाले की 250। अच्छा, हाथों का ना। हाथों चलो, तो ये हम भाभी ने आपको बता दिया फेशियल का एंड वैक्स का। वैसे स्टार्टिंग में हम लोगों को नहीं पता होता है कि ना कौन सी वैक्स करवाए, क्या करवाए। जब मैं मेरा बताऊं, जब मैं ना नए पार्लर में जाती थी ना, तो मैं उनसे डिटेल में कभी नहीं पूछती थी कि कौन सी करवाऊं क्या नहीं करवाऊं, बस मैं करवाने बैठ जाती थी, जो वो करते वही चल जाता। तो एक गांव का पार्लर होने का, एक जो जान पहचान का पार्लर होता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आके आप पूछ सकते हो कि कौन सी वैक्स क्या काम करेगी, कितनी रेट तक है, और मतलब जो भी है। और बाकी भाभी ने आपको बता दिया कि प्राइस 19-20 फेशियल का तो कर देंगे, तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा, विजिट करिएगा एंड होपफुली। ये क्या है? ये बीन वैक्स है। अच्छा, ये वैक्स है। हाँ, ये वैक्स है, ये फेस पे होती है, अपर लिप्स वगैरह पे। अच्छा, ये कैसे करते हैं, दानों को भिगोते हैं? हाँ, नहीं, दाने गर्म हो जाते हैं, लिक्विड हो जाता है। अच्छा, इस ये स्ट्रिप्स नहीं लगती है। अच्छा, बस इसी को ना उंगली से मेल्ट करके बस निकालते हैं। हाँ, ये देखो स्पेशल वैक्स, क्या जो भी बोलो, वैक्स, बीन वैक्स, मेरे को तो नाम भी नहीं आ रहा। फेस वैक्स बोल दो, बीन वैक्स बोल दो। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये मतलब ये ना, अगर किसी को डर लगता है वो मतलब खींचने से कि भाई ये ना बहुत दर्द होता है, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली है ना, क्योंकि बहुत को देख के डर लग जाता है कि कैसे करवाए। और किसी को देखो दर्द होता है, किसी भी ज्यादा, सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की, तो किसी को बहुत पेन होता है तो वो ये ले सकते हैं। ठीक है, ये पार्लर में आपको यही मिल जाएगी। अगर किसी को मेरी तरह नाम नहीं पता हो ना, तो इस पार्लर में आते ही देख लेना, यहाँ इस कॉर्नर में आपको मिल जाएगी। आप बोल देना कि भाभी जी ये वाली वेक कर दो, ये कर देंगे। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ पार्लर की, कि अगर किसी को भी पार्लर का काम सीखना है तो अभी वो इस टाइम में सीख सकते हैं, क्योंकि अभी सीजन ऑफ चल रहा है, तो भाभी जी सिखा देंगे। और क्या चीज़ रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगी, वो आप आके भाभी जी से कॉन्टेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे कि आपको कब कैसे सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे और प्राइस क्या रहेगी। जो भी होगा वो सारी चीज़ें आप इनसे ही पूछ लेना। सो ये सब था पार्लर का, जो भी था मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। और यहाँ पे ये देखो वो क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र, पार्लर का ही पार्लर का नाम आ रहा है, ये मंगलसूत्र की डिजाइन है। और ये इयररिंग्स है छोटे से, डेली यूज के हिसाब से। तो पार्लर से मैं आ गई हूँ घर पे, और मैं कुछ लेके आ गई हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा होता ही नहीं है कि मैं बिना कुछ लेके निकल जाऊँ किसी शॉप से या किसी जगह से। तो पिछले जो ब्लैक कलर की थैली में, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, लेकिन तो वो घर पे छोड़ के गई थी, अभी वो बाहर से गई हुई है, आएगी मैं आपको उसका रिएक्शन दिखाती हूँ। वो थोड़ी देर बाद मेरे को देखती है तो क्या करती है देखना भी। कहाँ जाके, खुशी मामू के जाके आया।
रोया था क्या? मैं गई थी तब नहीं। चुप कितनी देर ने हुई? देखो आता ही थे कौन देखा, पर आ देख लिए ये का है। केला नहीं है बेटा, केला खाना है क्या आपको? आओ अंदर आओ, आजो आजो, नानी को दिखाते हैं, आजो लेके आजो। केला नहीं है बेटू, मम्मा का सामान है। आओ मेरे पास आओ, अभी लाऊंगी मैं चांद के लिए। आजो अंदर चलो, आजो मम्मा के पास आओ। केला खाना है। चलो क्या है? अच्छा एपी टू ही है। चलो इतना रोता क्यों है दूर वाया? आज बहुत ही रो आजकल तो। एक बार ना पांच अभी फिर मैं करिए निकल जाना, तो रोही से छोड़ देना। ये दुर्वा नानी की तरफ से ना मेरे लिए गिफ्ट है बर्थडे का। नानी तो हाँ ही नहीं बोल रही है। थैंक यू बच्चा, ये खाने का थोड़ी है। ने देखो माओ का रेशन नहीं होता है, कुछ भी ले लो, ये बोलते हैं तत्ता पड़ेगा खा रहे कपड़ा ले तो ये। आज का ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग लेकर आती रहूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।